गाइस, अगर आप इस साल कावासाकी Z900 को परचेज करने का प्लान बना रहे हो वो भी EMI पर, तो ये वाली वीडियो गाइस आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कावासाकी Z900 को EMI पर परचेज करना है तो आपको इस बाइक के लिए कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको कितनी पर मंथ EMI इस बाइक की पड़ सकती है। तो ये वाली वीडियो गाइस काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप अभी तक इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की लुक्स होने वाली है कावासाकी Z900 की। और यहाँ पर जो बाइक है वो इंडियन मार्केट के अंदर दो कलर में अवेलेबल है। बात करें इस बाइक के इंजन के बारे में तो आपको उस बाइक के अंदर 948cc 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 123.6 BHP की मैक्सिमम पावर और 98.6 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर ये बाइक आती है 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। इसके अलावा आपको उस बाइक के अंदर 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस बाइक से मिलने वाली टॉप स्पीड की तो कंपनी क्लेम करते हैं कि आप इस बाइक से आसानी से 195 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड गेन कर लेंगे। बट यहाँ पर गाइस रियल वर्ल्ड में आप इस बाइक से आसानी से 200 प्लस की टॉप स्पीड गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इस बाइक से मिलने वाली माइलेज की तो आपको उस बाइक से 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस के बारे में तो भी इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइस चल रहा है 8,84,000। और यहाँ पर गाइस आपको इस बाइक के लिए 78,000 के आसपास का RTO चार्जेस पे करना पड़ेगा। और जो RTO टैक्स है वो गाइस आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यहाँ पर बात करें इस बाइक के इंश्योरेंस के बारे में तो उस बाइक के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 32,000 के आसपास का पे करना पड़ेगा। और गाइस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि आपको जो डीलरशिप है वो आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस बाइक की डाउन पेमेंट डिटेल के बारे में। तो गाइस अगर आपको ये वाली बाइक परचेज करनी है EMI पर तो आपको कम से कम इस बाइक के लिए 3 लाख का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप 3 लाख का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसके ऊपर 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पर जो आपकी पर मंथ EMI बनेगी वो बनेगी 17,400 के अप्रोक्सीमेटली। और ये जो अमाउंट है वो गाइस आपको अगले 48 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा। तो गाइस यही थी डिटेल कावासाकी Z900 की EMI के ऊपर। आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।